कामेसु मिक्षाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि। इसमें ये प्रश्न आया है कि कामेसु और मिक्षाचारा का अर्थ स्पष्ट किया जाए। कामेसु का मतलब होता है काम एसु, यानी के काम में या काम पर। कोई व्यक्ति अगर काम क्रिया यानी कि जो रति होती है या जो संभोग होता है, या जो दो प्राणी आपस में प्राकृतिक क्रिया के साथ में जब एक अन्य प्राणी के डेवलपमेंट का रास्ता खोलते हैं और वो क्रिया करते हैं, उसको काम क्रिया बोलते हैं। ये काम क्रिया प्राकृतिक है, नियम है। अगर आपने पृथ्वी को जीवों से आगे चलाना है, पृथ्वी में जीव आगे उत्पत्ति हो, तो ये काम क्रिया उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना इस क्रिया के जो फिजिकल चेंज है, यानी कि जो मनुष्य बनने की या जो जीव जंतु बनने की प्रक्रिया है, वो बाधित हो जाएगी। मगर हुआ क्या कि मनुष्य ने पृथ्वी में इस क्रिया को एक आनंद का जरिया बना लिया, और आनंद का जरिया बनने के साथ साथ फिर ये प्रतिस्पर्धा का जरिया हो गई, और उसके बाद में ये जो क्रिया है, ये क्रिया बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर्टी या एक मान स्वाभिमान अभिमान या अहम या कहें कि एक एबल बन गई, एक गाली बन गई। और इस प्रक्रिया में जो कमजोर हिस्सा था, यानी कि जो फीमेल का हिस्सा, जहाँ फीमेल कमजोर है, क्योंकि जो जानवर हैं उनमें फीमेल बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, मगर मनुष्य के अंदर ये फीमेल बहुत कमजोर होती हैं शारीरिक रूप से। तो जहाँ भी फीमेल कमजोर हुई, वहाँ वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुई, और उसको एक वस्तु और एक चीज इंसान से बना दिया गया इसकी वजह से। तो यहाँ जो भगवान ने बताया है, वो बताया है कि काम की जो इच्छा है, उसके कुछ नियम हैं जो सामाजिक नियम हैं, उन सामाजिक नियमों से परे आपने कोई भी ऐसा काम या ऐसा कम या ऐसी रति नहीं करनी है जो कि सामाजिक नियमों के बंधनों के परे आती है, या जो अप्राकृतिक भी है। यानी सामाजिक नियम में भी नहीं आना है और अप्राकृतिक में भी नहीं आना है। इस नियम के हिसाब से उन्होंने कहा है कामेसु, और मिक्षाचारा का मतलब है मिक्षा आचार। मिक्षा का मतलब है झूठा, यानी कि वो आचार जो सत्य ना हो, जो स्पष्ट ना हो, जो क्लियर ना हो, जो कल्याणकारी ना हो, जो लाभदायक ना हो, ऐसा आचार, ऐसा व्यवहार, ऐसा जो भी आपने कल्चर है या जो भी आपका इसमें आप कह सकते हैं कि जो मॉरल चीज़ें हैं, वो किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो मिक्षा आचार में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। मिक्षा आचार वो आचार होते हैं जो कहीं प्राकृतिक के अगेंस्ट होते हैं, या समाज के विरुद्ध होते हैं, या जो नेचर से बिल्कुल उल्टे होते हैं, उनको हम मिक्षा आचरण बोलते हैं, झूठा आचरण बोलते हैं। इसलिए भगवान ने उन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल स्पष्ट मना किया है और साफ किया है कि मैं कामेसु मिक्षाचारा, यानी कि मैं ऐसा काम जो कि प्राकृतिक और सामाजिक नियमों के विरुद्ध है, और ऐसा आचरण जो सामाजिक और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, उसको कभी ना करने की शिक्षा लेता हूँ। इसका पता कैसे चलेगा कि कोई काम सामाजिक नियमों के और प्रकृति के विरुद्ध है? ये बहुत स्पष्ट ही बात है, क्योंकि आदमी अपने हिसाब से, जानवर तो ऐसा व्यवहार नहीं करते, मगर आदमी अपने हिसाब से अपने आप को जस्टिफाई करता हुआ, अपने पाप को छुपाता हुआ, अपने पाप कर्मों को छुपाता हुआ नई परिभाषा अपने मन में बना लेता है, या वो किसी से तुलना करेगा, वो कहेगा कि पहले वाले ने ऐसा किया इसलिए मेरे लिए भी ये जायज हो गया, या उसने ऐसा किया इसलिए मेरे लिए भी ये ठीक हो गया, या ये चीज़ तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी चाहिए, और जानते बूझते भी वो अपने आप को, क्योंकि उसने गलत किया है और वो गलत कर रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए अपने मन में उसको जस्टिफाई करने के 100 बहाने वो खोज देता है। तो आदमी जो मनुष्य होता है, उसको पता चलता है जब वो कोई गलत काम करता है प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति के अगेंस्ट में, प्रकृति के विरुद्ध में, या जो सामाजिक नियम है उनके विरुद्ध में, उनके खिलाफ, तो उसके शरीर पे पता चलता है, उसकी आवाज़ दब जाएगी, उसकी आँखें नीची हो जाएंगी, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, उसकी गर्दन झुक जाएगी, उसके हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, वो छुप जाएगा, वो सामना नहीं करेगा, करेगा तो उसके मन में उस समय हलचल होती रहेगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी आवाज़ बदल जाएगी, या तो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगी या बहुत ज़्यादा दब जाएगी, उसकी आँखें उसका साथ नहीं देंगी, उसकी आँखें स्थिर नहीं रहेंगी, उसकी आँखें डबडबाती रहेंगी,
दाएं बाएं होती रहेंगी। जब वो शब्द बोलेगा, बात करेगा, तो उसके शब्दों में कंपन आना शुरू हो जाएगा, या तो वो उग्र होगा और या फिर वो बहुत ज्यादा निम्न होगा। और ये सारी सारी चीजें, यहां तक क्या सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है वो उसका सांस का आता है, उसकी सांस या तो तेज हो जाएगी या उसकी सांस बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। उससे उसे पता चलता है, वो जानता है इस बात को कि वो ये काम गलत कर रहा है, इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट नियम बताया था। कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदक समादयामि। धन्यवाद।